नमस्कार दोस्तों, फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट्स भी आ रहे हैं और मैसेज भी आ रहे हैं कि सर, क्या एग्ज़ाम की डेट जो 9 और 10 जून को प्रस्तावित थी, क्या उसको बढ़ा के 5 अक्टूबर को कर दिया गया है? दोस्तों देखिए, ये जो आप नोटिस देख रहे हैं, ये नोटिस जो कि आजकल वायरल हो रहा है, दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बोल दूं, ये जो लैंग्वेज आप देख रहे हैं, जो ये फॉन्ट है ना, जिस प्रकार से ये टाइप किया गया है, आप कभी भी देख सकते हैं कि इस प्रकार से ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ भी नहीं दिया जाता है इस प्रकार से। सबसे पहले आइए हम आपको दिखाते हैं कि रियल में जो ऑफिशियल जो नोटिस होता है वो कैसा होता है। चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ, उसके बाद इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, ये है रियल में नोटिस जो अभी 23 तारीख को आपका SI के लिए ये किया गया था, ठीक है, जो भी भर्ती थी। ये मैंने आपको सिर्फ एक दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से रियल में ऑफिशियल का जो पेज होता है वो दोस्तों ये है। बट यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं वहाँ की जो जो भी टाइपिंग है या जिस तरह से वहाँ पर दिया गया, इस तरह पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर ये लिख भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो भी एग्ज़ाम होना था कॉन्स्टेबल का 9 और 10 जून को जो होना था, उसको किसी कारणों से स्थगित करके जो है 5 अक्टूबर को दिया गया। दोस्तों ये न्यूज़ बिल्कुल ही फेक है, बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, पहली बात ये है। दोस्तों आप कहेंगे सर, आपने भी बोला था 9 और 10 को। देखिए, वो संभावित इसलिए है क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो सरकारी रिजल्ट था उसमें यहाँ पर दिया गया था एग्ज़ाम डेट 9 और 10 जून टेंटेटिव, ठीक है, इसकी संभावित है ये हो, आपका हो सकता है। दूसरी बात दोस्तों, ऑफिशियल पे अगर आप देखेंगे तो लेटेस्ट जो न्यूज़ आई है वो आपकी SI की है, जो मैंने अभी आपको ये दिखाया था, ये आपका लेटेस्ट है, ठीक है। उसके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं दिखाई गई है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो आगे बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले दोस्त बता दूं मैं आपको, ये बिल्कुल भी गलत है। आप तैयारी कीजिए, 9 और 10 की संभावना है क्योंकि ये सरकारी रिजल्ट भी दिया गया। हालांकि उसके बावजूद भी आपको ये जो न्यूज़ है 9 और 10 जून की, वो आपको ऑफिशियल पर नहीं दी गई है, बट ये जो दिया है 5 अक्टूबर, इससे मेरे हिसाब से सरासर आपका गलत है। और इस बहकावे में आप बताइए कि एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में पहुंच जाएगा, इससे आपकी तैयारी क्या होगी? आप सोचेंगे कि अभी टाइम ज़्यादा है तो हम तैयारी कम करें, दोस्तों बिल्कुल नहीं है। आप 9 और 10 जून को सोचकर ही एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, या आप ये देखिए कि मुझे जल्दी से जल्दी और कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। ये न्यूज़ बिल्कुल गलत है, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, आप इस चक्कर में ना पड़ें तो ये अच्छा है, ठीक है दोस्तों। और जैसी भी न्यूज़ आती है हम आपके साथ लेकर आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए, ये मान के कि जून या मई में मेरा एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और फिर देखते हैं जो भी न्यूज़ आती है ऑफिशियल पर हम आपके सामने लेकर आएंगे, ठीक है। बट इस पर आप विश्वास बिल्कुल मत कीजिए। ऑल द बेस्ट।